अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं चिकन स्पैगेटी। उसके लिए हमें चाहिए सोया सॉस, चिली सॉस, चिली गार्लिक केचप है, 4 हरी प्याज ली हैं मैंने, चिकन क्यूब है, और मैंने ली हैं 2 शिमला मिर्च ली हैं, और कुटी हुई मिर्च है, नमक है, और दही है 1 प्याली, और बोनलेस चिकन मैंने 1/2 केजी लिया है। और इसके अलावा जो चीज़ें जैसे नमक है, काली मिर्च है, दही है, 2 पैकेट मैंने स्पैगेटी के लिए, और ये तमाम चीज़ें जैसे 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 आगे इस्तेमाल होंगी तो मैं आपको आगे बताती जाऊँगी। स्पैगेटी के 2 पैकेट हैं, इनमें ये तमाम चीज़ें इतनी ऐड होंगी। पानी बॉईल करने रख दिया मैंने, स्पैगेटी डाल दी हैं, अब ये बॉईल हो जाएंगी तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये चिकन लिया है जो हमने 1/2 केजी लिया था, इसमें मैं सोया सॉस ऐड करूँगी, तकरीबन 1-1.5 चम्मच सोया सॉस डाला है मैंने। और अब लाल कुटी हुई मिर्च है वो तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी। उसके बाद मैं काली मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा ली है, 1-1.5 चम्मच तकरीबन मैंने काली मिर्च का लिया है। दही ऐड करूँगी, दही मैंने 1 प्याली भर के ली है छोटी, वो मैंने ऐड कर दिया है। अदरक लहसुन ऐड करूँगी। इन तमाम चीज़ों को उसको लगा के छोड़ दीजिएगा, यानी इसमें डाल के तकरीबन 15-20 मिनट के लिए, इन तमाम चीज़ों में ये चीज़ें ऐड करके इसको चिकन को 15-20 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दीजिएगा। नमक तकरीबन 1 चम्मच डाला है मैंने। इन चीज़ों को सबको मैं मिक्स करके तकरीबन 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए स्पैगेटी बॉयल हो गई है। अब जो है इसको मैं उतार लूँगी। अब ये सब्ज़ियाँ फ्राई हो रही हैं, जिसमें मैंने ज़्यादा सब्ज़ियाँ नहीं ली हैं, हरी प्याज और शिमला मिर्च। ये ऑयल गरम हो रहा है, इसमें मैंने जो मैरिनेशन वाला चिकन था वो ऐड कर दिया है। अब इसको मैंने अच्छी तरीके से भून के फिर इसके अंदर मैंने बाकी चीज़ें ऐड करनी है। अच्छी तरीके से इसका पानी ड्राई हो जाए चिकन का, फिर उसके बाद अगर आपको ज़रूरत हो, जैसे कोई ऐसे काली मिर्ची ऐड कर सकते हैं इसके अलावा, या जो आपको स्पाइसेस सूट करें। मैंने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च ऐड करी है, थोड़ा सा देसी स्टाइल है, तो वो आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ काली मिर्च ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो सोया सॉस या काली मिर्च अगर आपको ज़रूरत हो। देखिए अभी इसमें है पानी काफ़ी ना, जब तक ये ड्राई होगा तो फिर मैं बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। अब इसमें मैं 1 चिकन क्यूब मैंने ऐड करा है, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिली गार्लिक का केचप, तो वो मैंने ये तकरीबन लिया है 2-3 टेबल स्पून केचप भी। अब ये इसमें देखिए, इसमें सारा चीज़, ये मैंने स्पैगेटी ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके, और ये देखिए ये मैंने मिक्स कर लिया है, इसकी ये लुक आ गई है। अच्छी तरीके से इसको मैं मिक्स करूँगी। वेजिटेबल्स जो फ्राई की थी वो भी ऐड कर दूँगी, और ये रेडी हो जाएंगी। इसकी फ़ाइनल लुक भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा।